आज हम लैब्राडोर की ब्रशिंग करने जा रहे हैं और ये बहुत पहले से भी ब्रश करी बट मैं सोचा कि आज आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूं। तो मैं इसके जो है दांतों की ब्रशिंग करने वाला हूं। ये ह्यूमन टूथ ब्रश ही है बट सॉफ्ट वाला यूज़ करना है ताकि ज़्यादा ये हार्ड ना लगे। और ब्रशिंग का टाइम क्या होना चाहिए, जब ये थोड़ा सा थका हुआ हो, अगर फुल एनर्जी में रहेगा तो कभी भी ब्रश नहीं करवाएगी। वैसे तो ये ऑलवेज एनर्जी में रहते हैं बट कभी कभी जब ये रेस्ट मूड में होती है तब जाके आप इसे ब्रशिंग के लिए इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब अप्रोच कर सकते हैं आप इसे और तब ये अच्छे से ब्रशिंग कर लेगी। अभी देखिए कितना इसको प्यार से मैंने एकदम आराम से ये ले रही। तो चलिए इट्स टाइम टू ब्रश। इसको हम लोग जैसे मॉर्निंग में सुबह उठते हैं और ब्रश करते हैं, ऐसा कुछ नहीं से आप कभी भी जब इसका टाइम रहे तब कर सकते हैं, या सुबह मॉर्निंग वॉक करवाने के बाद भी करवा सकते हैं। तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ वीफर का टूथ पेस्ट है यहाँ पे। इसके जो है MRP अराउंड 350 है MRP, आपको कुछ डिस्काउंट्स में भी मिल जाएंगे तो आप ले सकते हैं। और इसे हम देखते हैं कि कैसे किया जाता है और देखते हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ बेटू, आ जाओ ब्रशिंग कर लेते हैं। आ जाओ आ जाओ, आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए खाना नहीं, अंदर के दांतों पे जो है इसको जो है ज़्यादा ब्रशिंग की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वहीं पे जो है ज़्यादा जर्म्स वगैरह होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ तक हमारा हाथ जाएगा नहीं। बट देखिए, और ये जो है खा लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और ह्यूमन वाला कभी भी यूज़ नहीं करना है क्योंकि उसमें जो है फोमिंग करने के लिए जो केमिकल होता है वो जो है डॉग्स के लिए अच्छा नहीं होता है, काफ़ी हो सकता है हार्मफुल होता है। तो हमें जो है डॉग्स के लिए जो स्पेशली टूथ पेस्ट होता है वही यूज़ करना है। ये फॉर्मिंग नहीं करता है और ये खा लेने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि ये बनाया ही गया है इस डिज़ाइन से कि जो है ये चट कर जाएगी, इसको पूरा ये कर लेगी। और देखिए ये मज़े से खा भी रही है क्योंकि इसका टेस्ट इसको अच्छा लग रहा है और ये ब्रशिंग भी कर रही है। नो वेट, और सबसे पहली बात होती है कि आप जितना अपने डॉग से प्यार करेंगे, जितना आप अपने पेट से प्यार करेंगे, आप उसे भी उसी तरह से केयरिंग करेंगे। और ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है डॉग्स ऑन करने का, डॉग्स रखने का, पेट ऑनर जो भी है और जो भी डॉग लवर्स है ये जानते होंगे कि उसकी केयर कैसे करते हैं। बस कोई फर्स्ट टाइम ऑनर है तो उसके लिए मैं शेयर कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि ये फ़िलहाल जो है इसकी ब्रशिंग करना, और ये जो है आराम से ये सोच रहे हैं कि ये मुझे क्या खिला रहे हैं। अच्छा लग रहा है बेटू को, अच्छा लग रहा है। ये देखिए यहाँ इस साइड सब में करना है, ये जो है इसके कुछ जर्म्स होते हैं। आप इसे चाहे तो, अगर नहीं करता है तो आप इसे टॉयज पे या च्यू स्टिक वगैरह पे भी लगा के करवा सकते हैं, जो च्यू स्टिक होते हैं उस पर आप करवा सकते हैं। बट मैंने ट्राई किया था च्यू स्टिक पे लगाने का तो इसका टेस्ट में भी शायद बदल जाता है, इसकी वजह से वो खाता नहीं है, टॉयज वगैरह भी ठीक से नहीं ये कर पाता है। बट इस तरह से हम अगर इनको दे रहे हैं तो ये कर रहा है। एक ब्रश भी आता है इसका जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर ब्रश अवेलेबल नहीं है तो आप इससे भी कर सकते हैं, ह्यूमन ब्रश से भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। खोलो, नो नो, हो गया हो गया। आप डेली अगर नहीं भी कर सकते हैं तो वीकली अगर 2 या 3 दिन कर दिए तो भी चल सकता है। अगर डेली आपके पास टाइम नहीं है तो संडे सैटरडे भी कर सकते हैं। लिली हेलो बोल दो, हेलो बोल दो, हेलो बोलो, हेलो बोल दो। चलो आपको भी ऐसे ही, अगर जब मैं केयर कर रहा हूँ जैसे कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं मेरे चैनल से जुड़ना, इस पर आपको टेक्निकल वीडियोज़ भी मिलेंगे और जो मैं अपने पेट्स के साथ, अपने डॉग्स के साथ जो भी मैं एक्सपीरियंस फील करता हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, चाहे जैसा भी हो। आपको ये अच्छा तरीके से मैं बताने की कोशिश करता हूँ, फिर भी आपके कोई सजेशंस हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।